हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज एल्डरली हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज में हम बात करेंगे कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन में हम किन चीजों का ध्यान रखें कि हमें कब्ज ना हो, और अगर हमें कब्ज है तो हम कौन सी ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं जो कि हमारे लिए सेफ हैं। कब्ज के बचाव के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमें एक अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए जिसमें कि हम सुबह के टाइम 15-20 मिनट लाइट एक्सरसाइज करें, जिसमें कि हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी आंतों को हेल्दी रखती है और ये हमारी आंतों की एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मन को भी ठीक रखती है और ये हमारे खाने को पचाने में भी हमारी हेल्प करती है। अगर हम लैट्रिन जाने की टाइमिंग की बात करें तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर लैट्रिन जाना चाहिए, या जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें लैट्रिन जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय हमारी आंतों की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, और इस समय लैट्रिन जाने से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें बहुत अच्छे ढंग से लैट्रिन आए। अगर आपको दिन में किसी भी समय लैट्रिन जाने की फीलिंग आती है तो उस समय आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप इस समय लैट्रिन नहीं जाते हैं तो आप में कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कब्ज के बचाव के लिए सबसे जरूरी है पानी का पर्याप्त मात्रा में पीना। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि डॉक्टर ने आपको पानी पीने के लिए मना किया है, तो आप 2, 2.5 या 3 लीटर तक पानी रोज पिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे आपकी लैट्रिन भी सॉफ्ट होती है और इसकी आंतों में मूवमेंट भी इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, कब्ज के बचाव के लिए जो सबसे जरूरी है वो है कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कि फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप फाइबर का इंटेक 25 से 30 ग्राम डेली करते हैं तो कब्ज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये जो फाइबर होते हैं ये हमारे स्टूल के बल्क को बढ़ाते हैं, ये पानी को अब्सॉर्ब करते हैं जिससे कि हमारी लैट्रिन सॉफ्ट होती है और आंतों में इसकी मूवमेंट आसानी से होना शुरू हो जाती है। ये फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत सेफ होते हैं और ये हमें और भी कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। जब भी आप फाइबर वाली चीजें लेते हैं तो इसे धीरे धीरे अपने खाने में बढ़ाएं। अगर आप एकदम से ज्यादा फाइबर वाली चीजें लेना शुरू कर देते हैं तो इससे आपके पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, फुलावट हो सकती है, गैस बन सकती है, पेट में हल्के फुल्के मरोड़ आ सकते हैं। तो फाइबर वाली चीजों को हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से खाने हैं जो कब्ज से हमारा बचाव करते हैं। तो फ्रेंड्स, दही कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और हमें कब्ज से बचाते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो सेब, केला, संतरा, नाशपाती कुछ ऐसे फल हैं जिनमें की फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, ये भी हमें कब्ज से बचाव करते हैं। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, बीन्स, मटर, ब्रोकली या कुछ हम स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, ये भी फाइबर से भरपूर होते हैं। ओट्स और दलिया में भी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, ये भी हमें कब्ज से बचाते हैं। शहद भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप कोसे पानी में कुछ शहद डालकर और इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीते हैं तो ये भी हमारे कब्ज को कम करती है। आप होल व्हीट पास्ता ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, ये भी कब्ज से हमारा बचाव करते हैं। ऑलिव ऑयल भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम ऑलिव ऑयल लेते हैं तो ये हमारी आंतों की चिकनाहट को बढ़ाता है, जिससे कि लैट्रिन अच्छे से आंतों में मूव करती है। हम खाली पेट सुबह 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा हम देसी घी के भी 1 या 2 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ये भी कब्ज से हमारा बचाव करता है। बाजार में इसबगोल उपलब्ध है, आप इसबगोल के भी 2 या 3 चम्मच रात को ले सकते हैं। इसबगोल भी फाइबर से भरपूर होता है जो कि कब्ज से हमारा बचाव करता है। अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी आंतों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी लैट्रिन सॉफ्ट होती है और इसकी मूवमेंट भी हमारी आंतों में अच्छे ढंग से होती है, जिससे कि कब्ज होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी कुछ टाइम तक ले सकते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो बाजार में कुछ लेग्जेटिव्स उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ लेग्जेटिव्स होते हैं जिन्हें कि हम ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स बोलते हैं। ये जो लेग्जेटिव्स होते हैं ये हमारी आंतों में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी लैट्रिन सॉफ्ट होती है और इसकी मूवमेंट हमारी आंतों में आसानी से होती है। ये कुछ लेग्जेटिव्स हैं जैसे कि लैक्टुलोस, लैक्टिलॉल
और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अगर बाकी उपायों से हमारी कब्ज दूर नहीं हो रही है तो ये मेडिसिन हम सेफली ले सकते हैं। इनमें से भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट्स में हल्की फुल्की ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट में गड़गड़ाहट हो सकती है या हल्का फुल्का उल्टी का दिल कर सकता है। दूसरी जो मेडिसिन बाजार में उपलब्ध हैं उन्हें हम स्टिमुलेंट लैक्सेटिव बोलते हैं, जैसे कि बिसाकोडिल जिसे कि हम डल्कोलैक्स बोलते हैं या सोडियम पिकोसल्फेट। ये मेडिसिन हमारी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाती हैं और कब्ज को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन बिसाकोडिल और सोडियम पिकोसल्फेट ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसे कि आप बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। आप इसे 1 या 2 हफ्ते ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कब्ज नहीं हट रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर चेक कराएं। अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस हो सकती है, हमारी किडनियों में हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, तो ये सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करती हैं। ये जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया लैक्टुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये मेडिसिन ज्यादातर 2 से 3 दिन में इनका इफेक्ट देखा जाता है। लेकिन ये जो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं जैसे कि बिसाकोडिल या सोडियम पिकोसल्फेट, इनका इफेक्ट 6 से 12 घंटे में पेशेंट्स को देखने में मिलता है। एक जो नई मेडिसिन है जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं, इसका नाम है प्रोकैलोप्राइड। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, इसकी डोज 1 से 2 मिलीग्राम है। इस मेडिसिन को आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह को ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो जब भी आप इस मेडिसिन को लें, इसका 1 मिलीग्राम से आप शुरू करें, आप 2 हफ्ते तक इसका इफेक्ट देखें। अगर आपको इसका इफेक्ट पूरा अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है तो आप इसकी 2 मिलीग्राम मेडिसिन लें, उस डोज को आप 3 से 4 हफ्ते तक लगातार लें। अगर आपको इसका इफेक्ट आ रहा है, इसे आप 2 से 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 हफ्ते तक इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस मेडिसिन को बंद भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में इस मेडिसिन की वजह से सिर में दर्द हो सकती है या हल्का फुल्का उल्टी का दिल कर सकता है। ये ज्यादातर साइड इफेक्ट पहले हफ्ते में देखा जाता है, उसके बाद ये साइड इफेक्ट कम हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से इस मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में एकदम से बहुत ज्यादा कब्ज हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पोजिट्री बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। स्पोजिट्री एक मोम की तरह दवाई होती है जिसे कि हमें लेटरिन की जगह पे रखना पड़ता है। बाजार में ग्लिसरॉल की स्पोजिट्री भी उपलब्ध है और जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो है डल्कोलैक्स स्पोजिट्री या बिसाकोडिल स्पोजिट्री। ये 10 ग्राम की स्पोजिट्री आती है, इसे हमें लेटरिन की जगह पे रखना पड़ता है और कुछ पेशेंट्स में अगले 1 से 2 घंटे में लेटरिन हो जाती है। इस मेडिसिन को हमें रेगुलर यूज नहीं करना है, इसे हमें कभी कभार ही जब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब ही यूज करना होता है। तो जब भी आपको ज्यादा कब्ज होती है आप एक बारी में एक ही स्पोजिट्री यूज करें और कोशिश करें कि आप इसे सुबह के टाइम यूज करें, या तो सुबह उठते ही इसे यूज करें या सुबह के खाने के बाद इसे यूज करें। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ती है और हमारे लैटरिन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इन सब ट्रीटमेंट से भी आपकी कब्ज ठीक नहीं हो रही है और आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप एनीमा भी ले सकते हैं। कुछ एनीमा जो बाजार में उपलब्ध हैं वो है प्रोक्टोक्लिसिस एनीमा, लैक्टुलोज एनीमा। इस एनीमा को आपको अपनी लैटरिन के रास्ते में डालना पड़ता है और कुछ देर के बाद लैटरिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एनीमा के बावजूद भी आपकी लैटरिन नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हो सकता है कि आपकी आंतें ब्लॉक हो रही हों या आपकी आंतों में लैटरिन हार्ड होके फंस गई हो, तो वो डॉक्टर आपको आगे ट्रीटमेंट बताएगा कि इस कंडीशन में क्या करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।